source of great satisfaction. And of different. आज के दौर में जब हम किसी को हिटलर कहते हैं तो अपने आप में समझ आ जाता है कि वह बहुत क्रूर शख्स होगा। तो सोचिए असल में हिटलर कैसा होगा। 20वीं सदी के सबसे क्रूर तानाशाह के तौर पर एडोल्फ हिटलर की एक अलग पहचान थी। अपनी ताकत और करिश्माई व्यक्तित्व की बदौलत न केवल वो पूरे विश्व को अपने इशारों पर नचाता था, बल्कि अपनी नीतियों की वजह से वो खुद को सबसे ऊपर समझता था। बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि हिटलर पादरी बनना चाहता था, लेकिन सामाजिक ताने बाने में उसका मन कुछ इस कदर उलझा कि दुनिया में प्रेम और सौहार्द की भाषा बोलने के बजाय वो एक हत्यारा बन गया। वैसे तो हिटलर की जिंदगी से जुड़ी कई कहानियां हैं। किसी कहानी में वह हीरो है तो किसी में विलेन, लेकिन यह भी सच है कि हिटलर 20वीं सदी का सबसे क्रूर तानाशाह था। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 को हुआ। 7 भाई बहनों वाले परिवार में हिटलर का जीवन गरीबी में गुजरा। हिटलर को अपनी माँ से ज्यादा लगाव था। पिता की मौत के बाद उनकी माँ चाहती थी कि वो एक बड़ा अधिकारी बनकर अपने पिता के सपनों को पूरा करे, लेकिन हिटलर पर तो पेंटर बनने की धुन सवार था। 1905 में पढ़ाई छोड़कर पेंटिंग में भाग्य आजमाने की हिटलर की कोशिश बेकार रही। उसे स्कूल ऑफ आर्ट और दूसरी आर्ट अकेडमी में प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे हिटलर टूट गया था। इसी बीच उनकी माँ का कैंसर की वजह से निधन हो गया। माँ की मौत के बाद हिटलर गांव छोड़कर वियना आ गया। वियना पहुंचकर हिटलर ने देखा कि जर्मनी पर यहूदियों का कब्जा हो चुका है। हर बड़े पद पर वे मौजूद हैं और जर्मन जनता का शोषण कर रहे हैं। हिटलर के अंदर राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा था, जबकि यहूदियों के प्रति नफरत, और उसकी इसी नफरत ने करीब 60 लाख यहूदियों को हत्या करवा दी थी। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो हिटलर जर्मनी के सेना में भर्ती हो गया और फ्रांस में कई लड़ाइयों में उसने हिस्सा लिया। सन 1918 के दौरान युद्ध में घायल होने के कारण वह अस्पताल में भर्ती रहा। जर्मनी की हार का उसे बहुत दुख हुआ। इसके बाद हिटलर ने उसी साल उसने नाजी दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साम्यवादी और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था। अपने तेज तर्रार व्यक्तित्व और तीखे भाषणों की वजह से हिटलर ने जल्द ही जनता के दिलों में अपनी जगह बना ली। 1933 में हिटलर जर्मनी की सत्ता में आया और उसने एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की, और यहीं से शुरू हुआ यहूदियों का नरसंहार। 1939 में जर्मनी ने विश्व युद्ध भड़काने के बाद हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए अपने फाइनल सॉल्यूशन को अमल में लाना शुरू किया। हिटलर ने साल 1938-39 तक राइनल, ऑस्ट्रिया, सूडान और चेकोस्लोवाकिया को जीतकर पूरी दुनिया को ताकत का एहसास कराया। उसके बाद हिटलर पर युद्ध का जुनून सवार हो गया था। विश्व विजयी बनने के लिए हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इस युद्ध में जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन, फ्रांस शामिल हो गया, जिसके बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में करीब 26 लाख सैनिकों की मौत हुई थी। इतनी मौत के बाद जर्मनी का पोलैंड पर कब्जा हो गया था। दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह हिटलर से भले ही दुनिया थरथर कांपती थी, लेकिन एक हिंदुस्तानी ने हिटलर को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। भारत की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के तानाशाह हिटलर से भी मदद मांगी थी। दरअसल मई 1942 में जर्मनी के शहर बर्लिन में नेताजी की मुलाकात हिटलर से हुई थी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़े जा रहे युद्ध में नेताजी ने हिटलर से सैनिक सहायता मांगी थी। इसी बातचीत के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने एक और मामला उठाते हुए हिटलर की किताब में भारतीयों पर की गई गलत टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी। इस पर हिटलर ने नेताजी से क्षमा मांगी और अगले अंक में गलती सुधारने की बात कही थी। इस निर्भीकता और राष्ट्रभक्ति से प्रभावित होकर हिटलर ने उन्हें अपनी हाथी दांत की बटवाली पिस्तौल और रेडियो गिफ्ट दे दी थी। हिटलर के बारे में कम ही लोग जानते होंगे कि आधुनिक इतिहास में वो ऐसा पहला शख्स था जिसने धूम्रपान के खिलाफ अभियान का आगाज किया था। हिटलर जितना क्रूर तानाशाह था उतना ही प्रतिभाओं को पहचानने वाला भी था। फिर भी हिटलर का नाम इतिहास के पन्नों में एक क्रूर तानाशाह के नाम से दर्ज है।